やるぞーめめんちゃんちょうどやるぞーめやるやるやるやれよなにおめっちょサレーケキコンプリボンだよジャルビアンジャルえぇジャルビちゃんだよジャルバイちゃんバイちゃんお前バイちゃんな今朝どんげなバイちゃんなにコンタクトだぞどんげからバイちゃんじゃあなシチリビルンベでハロコンプリお前バイちゃんおまえ来た？来た。calling おまえ。CCTV room के सारे footage check करें 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं है वहाँ।来た？क्या हुआ？कुछ। おまえって contact नहीं हुआ ना？来た मुझे तो लगता है इनमें से ही किसी की हरकत है। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया कुछ तो रेस्टोरेंट में अपने आइटम के साथ खूब मजे ले रहा था भैया ये उसका आइटम भी नहीं है मैं नहीं मैं तो यहाँ बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में आया था वो मौसम अच्छा हो रखा था तो शक कर रही है तो इन होटल वाले पे कीजिए स्पेशली ये वेटर्स बैस्टर्ड जब इतने बड़े फाइव स्टार होटल में खुलेआम प्रोस्टिट्यूट बुला सकते तो क्या नहीं कर सकते वेटर क्या वेटर हम यहाँ 6 साल से काम कर रहे आज तक एक छोटा सा कंप्लेंट नहीं आया और तुम कहता है कि हमने इतना बड़ा साजिश किया और अगर हम में इतना ही दिमाग होता तो हम यहाँ पे मैनेजर नहीं होते साहब अबे जुबान संभाल के बात करो तुम लोग समझे मैनेजर है तो क्या सारी जिम्मेदारी हमारी है ये तो तुम्हें सिक्योरिटी हेड से पूछना चाहिए सही का आप लोग भी तो बंदूक लेकर घुसे हाँ सही हाँ 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 सही कह रहे सही बात है ये शर्म करो खुदा से डरो बे बच्चों बे खुदा वो होता है जो लोगों की जान बचाता है और फिलहाल हम ही तेरे लिए खुदा है खुद को खुदा कहते हो लोगों की जान लेते हो क्या बिगाड़ा मेरे दोस्तों ने तुम्हारा हाँ क्या बिगाड़ा मेरे दोस्त तूने भी ज्यादा मत मत की ना तो तेरा भी वही असर करूंगा जो तेरे आशिक का किया था समझे मुले कुत्ते पे काबू रखो कहीं ये सब तुम्हारे पति ने तो नहीं करवाया तुम क्या बस सुसा रहे हो मजाक समझ गए क्या कादिर इन सब के लिए वक्त नहीं हमारे पास जो करने आए थे वो करके निकलते हैं बिल्कुल सही भाईजान भाईजान रिसेप्शन के पीछे एक खुफिया रास्ता जाता है वॉल्ट की तरफ चलो चल लेकिन वॉल्ट का वॉल्ट रूम की चाबी किसके पास है मैनेजर मैनेजर अबे और अबे उठाए गुड़ क्या रहा है रे क्या गुड़ रहा है हट तू मारेगा मार ना अमार इन सबको मार दे तुम्हें क्या लगता है ये सब जो भी हो रहा है बाहर तुम सब ऐसे निकल जाओगे चल नहीं बताता तेरी औकात बोले पागल हो गया तू सबको मारता फिरेगा मार दे फिर इसको 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 सबको मार दे फिर हमें और उन बम ब्लास्ट करने वालों में फर्क ही क्या रह जाएगा भाई जान आप समझ नहीं रहे हो सारा पंजा यहां पे आकर क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं एक छोटी सी लूट करने आए थे अब तो यहां से बाहर निकलना भी नामुमकिन लग रहा है भाईजान भाईजान मैं अभी भी कह रहा हूँ इस मैनेजर को पकड़ लेते इसको सब कुछ पता है रे मैनेजर उठ और बोर्ड रूम का रास्ता बता मैं अभी भी कह रहा हूँ कादिर भाईजान मैं अभी भी कह रहा हूँ इन सबको मरने देते हैं आराम से पैसा लेके लूट के भाग जाएंगे इन सबको बचाने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे कादिर बेवकूफी की बात है मत कर
और मुनीत ऐसे हार मत जा। हमारा इरादा किसी को मारने का नहीं था। अभी जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते, पर जो होने वाला है शायद उसको बदल सकते हैं। पैसे लूट के भाग जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर हम आसानी से पैसे लेके भाग सकते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा होगा? और मुनीत, तूने जो वो ऊपर के कमरे में उन बच्चों को अपने फायदे के लिए मारा, क्या अल्लाह उसके लिए तुझे माफ करेगा? शायद इन सब की जान बचाकर तुझे जन्नत ही क्यों ना नसीब हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो। भाई जान, अल्लाह तो मुझे वैसे भी माफ नहीं करेगा। मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसा लूटने आया था, अगर वो मुझे नहीं मिले ना तो मैं मैनेजर को छोड़ूंगा नहीं। ये सब भावना में रहने का नहीं है। भाई जान, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस बार में माफ कीजिएगा, हम वही करेंगे जो हम करने आए हैं। भाईजान, अल्लाह मुझे माफ करे या ना करे, पर अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।